हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। और चेयर टेबल तो सबके घर में होती हैं, और हम चाहते हैं, लेडीज चाहती हैं कि वो जो है वो लंबे टाइम तक हमारे घर में टिकी रहें और अच्छे से मेंटेन रहें। तो इसके लिए इनका कवर बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए बनाते हैं आज हम इन चेयर और टेबल का कवर। तो चेयर का जो कवर है वो मैंने पहले से बना रखे थे, मुझे लगा फिर एक मेरा पीस रह गया था, तो मुझे लगा आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ कि इस टाइप से मैं इनके कवर बनाऊंगी। तो ये जो है वो फोल्डिंग है चेयर, और टेबल भी फोल्डिंग है। तो किस टाइप से हम बनाएंगे आज मैं वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो है मैंने सब बना रखे थे और एक पीस मेरा रह गया था, और उसी जैसे ही मैंने ये हटा रहे थे थोड़े क्लीनिंग के लिए चेयर हटाई थी, तो बेटे ने मेरे ये फाड़ दी थी, क्योंकि इसमें जो है वो यहाँ जो रैक्सिन लगी होती है और वो बहुत जल्दी कट जाती है, प्लेट वगैरह से या कुछ भी बच्चा पेंसिल वगैरह भी चला देता है तो फट जाती है। तो उसे हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो कवर बना के ही हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो चलिए हम बनाते हैं इनका कवर। तो ये इस टाइप से कवर बनाए हैं मैंने। ये बिल्कुल फिट आ जाते हैं इस पे और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो अच्छा सा कपड़ा लेना है और बढ़िया से डिजाइन बनाएंगे तो हमें लगेगा ही नहीं कि हमने अपने आप बनाए हैं। और चाहे तो इसको साड़ी से भी बना सकते हैं, पुरानी साड़ी है या दुपट्टा है या कोई भी इस टाइप का कपड़ा हमारे पास रखा है तो हम इनको इस टाइप से बना सकते हैं। किस टाइप से हम बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चेयर मेरी ये फोल्डिंग है, इस टाइप से ये फोल्ड होके बंद हो जाती है। और ये जो हमें कवर बनाना है, तो ऊपर वाला जो कवर है मैंने बना रखे हैं, तो ये इस टाइप से बनाए थे मैंने। तो ऊपर जो शेप दे रखी है ये गोलाई में हल्की सी, तो उसी टाइप से मैंने ये सिलाई कर दी थी। और उसके लिए जो नाप लेनी है ये यहाँ तक ली है, फिर उसके डबल कर लिए और चौड़ाई ले ली है इसकी। और अंदर जो है एक पुरानी जो बेड शीट है वो लगा ली है मैंने, और फोम लगाया है बीच में। तो ये मैंने बहुत पहले बनाई थी, तो इसकी मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाई आपके साथ। तो ये बिल्कुल फिट आती है, एकदम फिटिंग की बनी हुई है। तो दोनों पार्ट मैंने बना रखे हैं, और जो नीचे वाला है इसका चेयर का सिटिंग एरिया, तो वो भी उसमें भी जो साइड में है वो गोलाई दे रखी है, तो उसी टाइप से ये स्टिच की है। और इसमें ये दो जो है बेल्ट लगाई हैं, और बीच में से थोड़ा सा खोला है। तो एक और जो दूसरी चेयर है उसकी जो उसका जो कवर बनाना है वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो इसी टाइप से मैं बनाऊंगी जिस टाइप का ये मैंने बना रखा है पहले। तो ये थोड़ा सा मैंने साइड से खोल रखा है, जिससे ये जो कवर चढ़ाने में बहुत आसानी होती है और अच्छे से आ जाता है, ये एकदम फिट। और पीछे से ये बेल्ट जो है वो बंद कर देते हैं, बांध देते हैं। तो ये बैठने के बाद इधर उधर भी नहीं भागता है। तो चलिए इसी टाइप से दूसरा जो कवर है दूसरी चेयर का वो भी हम बनाते हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो मेरा रेडी है, लेकिन जो नीचे वाला है सिटिंग एरिया वाला वो मेरा रेडी नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये कट कर रखा है पीस। तो ये लंबाई ले ली है इसकी और चौड़ाई ले ली है जितनी भी है। तो लंबाई जो है वो जो है डबल कर लेनी है, तो डबल लंबाई हम लेंगे इसकी चेयर की। और ये बेल्ट भी बना रखी है मैंने, तो चार इसमें बेल्ट लगनी है। तो ये दो बना ली हैं, उनकी मैं हाफ करके चार बना दूंगी।
तो ये पीस है जो सिटिंग एरिया है चेयर का, उसके नाप का है ये बिल्कुल। और ये फोम लिया है और अंदर जो लगाया है मैंने लाइनिंग उसमें, तो वो भी एक बेडशीट है पुरानी। तो ये फोम जो है वो इसके नाप का हम काट लेंगे। तो बस ऊपर हमें लगाना है और नीचे की साइड हमें ज़रूरत नहीं है लगाने की फोम। तो थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद अंदर थोड़ा सा आ जाएगा। तो इस टाइप से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है मैंने और इसको चारों तरफ से सिल देंगे। तो अभी पहले जो है वो खाली फोम को सिलना है एक बार। तो ये फोम शीट सिल जाने के बाद जो है चारों तरफ से मैंने सिल दिया है। तो उसके बाद जो है ये हमें जो हमारा लाइनिंग वाला है फैब्रिक उसको पलट के और बैक साइड से दोनों जो साइड्स हैं उसकी सिल देनी है। तो दोनों साइड सिल दिए, उसके बाद इसको इस टाइप से पलट देंगे। तो हमें ये जो साइड वाली सिलाई है वो हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऊपर भी हमारा जो है वो बंद हो गया है और नीचे की साइड भी, दोनों साइड हमारी बंद हो गई। तो इस टाइप से अब हम इसे फोल्ड कर देंगे और उसके बाद जहाँ से हमारा ये खोलना है हमें वहाँ हम निशान लगा देंगे। और यहाँ हल्का सा हमें गोलाई देनी है जैसी हमारे चेयर में डिज़ाइन है। तो जहाँ तक खोलना है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद जैसे हम सूट वगैरह सिलते हैं उसके चाक जो होते हैं साइड के, तो वो खोलते हैं थोड़े से, तो उसी टाइप से इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही खोल देंगे थोड़ा सा। तो दूसरी साइड भी इसी टाइप से करना है, हल्की सी गोलाई देके। तो यहाँ तक सिलनी है बस हमें, और उसके बाद जो है ये ओपन रहेगा। उसके बाद इसको कट कर लेना है जो गोलाई दी है हमने। फिर उसके बाद जो है हमें जो नीचे हमने ओपन किया था उसको सिल देना है। तो इसको मैं पलट लूँगी, हल्के हल्के कट भी लगा लिए मैंने। तो उसके बाद जो जैसे सूट में हम चाक सिलते हैं वैसे ही इसकी चाक सिलनी है साइड की। तो इसमें यहाँ दोनों साइड बना देंगे इसी टाइप से चाक दोनों चेयर की। तो उसके बाद ये बेल्ट जो है हमें लगानी है। तो ये दो बेल्ट मैंने बना रखी थी तो मैं इनको हाफ कर दूंगी तो ये चार बन जाएंगी। तो ये किनारे पे जहाँ पे हमने ये ओपन किया है साइड में पीछे की साइड, तो वहाँ पे हमें लगानी है ये बांधने के लिए। तो चार हमारी बेल्ट चारों कोनों पे लग गई हैं और थोड़ा सा ये जो हिस्सा खुला है वो इसमें जो चेयर पे हम जब कवर चढ़ाएंगे तो बिल्कुल एकदम फिटिंग आएगी। तो इसको भी पीछे से बांध देते हैं जैसे हमने दूसरी चेयर का कवर बांधा था। तो देखिए कितना सुंदर भी देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो दोनों चेयर के रेडी हो गए हैं कवर।
चेयर के कवर तो बन गए हैं, हमारे अब बनाना है हमें टेबल का कवर। तो टेबल हमारी बिल्कुल स्क्वायर है, तो और ये जो है कट कर लिया है मैंने स्क्वायर पीस। और ये एक सलवार का कपड़ा रखा था मेरे पास, तो उसी को मैं इसमें यूज़ करूँगी कंट्रास्ट में, तो इसके साथ पिंक बहुत अच्छा लग रहा है। इसका बनाऊँगी मैं पैच। पैच बनाने के लिए क्या करना है, और फ्रिल भी बनानी है फिर मुझे इसमें चारों तरफ, और पैच बनाना है बीच में। तो पैच बनाने के लिए देखते हैं कैसे पैच बनाएंगे। तो पैच जो है वो मैं पहले तो सोच रही थी कि जो मैं टेबल कवर बनाऊंगी उसी पे हम पैच लगाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो है वो पैच लग के इतना अच्छे नहीं लग रही थी कवर, तो फिर मैं अलग से एक पैच बना रही हूँ। और इसको हम कोस्टर के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कप वगैरह या कोई प्लेट वगैरह रख देते हैं जैसे खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं। तो उसके लिए जो है ये बिल्कुल स्क्वायर एक पीस ले लिया है मैंने दोनों फैब्रिक का, और उसको इस टाइप से चारों तरफ से सिलने के बाद और यहाँ इस टाइप से काट लिया है फोल्ड करके। तो ये हमारे चार पीस आ गए हैं, फिर हम इनको जब खोलेंगे तो हम इनका डिज़ाइन बन जाएगा इतना अच्छा, तो चारों तरफ से हम इसको फिर से सिल देंगे। तो यहाँ प्लेन वाले की तरफ जो है वो जो चेक वाला है फैब्रिक वो लाना है, और जहाँ से हमारा चेक वाला होगा वो फिर प्लेन लाना है। तो इस टाइप से यहाँ जिग जैग हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए इस टाइप का डिज़ाइन हमारा बन गया है। उसके बाद एक नीचे जो है वो थोड़ा थिक बनाने के लिए एक बैग ले लिया है, जो कैरी बैग होते हैं, तो वो मैंने डबल करके कट कर लिया है इसका बिल्कुल साइज का। अब इसके चारों तरफ जो है एक सिलाई लगा देंगे पूरे में। उसके बाद ये लेस लगानी है, तो मेरे पास ये इतनी लेस थी तो मैंने ये ही लगा दी है क्रॉस करके। उसके बाद इसके जो एजेस हैं उनको हमें फोल्ड करना है, तो इसके लिए मैंने ये रेप पट्टी एक ले लिए, तो वो लगाएंगे फिर उसको फोल्ड कर देंगे। तो ये उरेप पट्टी इस टाइप से चारों तरफ लगानी है। तो इसको लगाने के बाद पूरे पे और इसको बैक साइड में फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे ऊपर से। तो ये पूरे में हमारी लग गई है पट्टी, तो हमारा जो कोस्टर है वो रेडी हो गया है। अब हमें इसका टेबल का कवर बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये स्क्वायर पीस जो टेबल की नाप का बिल्कुल तो कट कर लिया है, थोड़ा सा हाफ हाफ इंच जो है एक्स्ट्रा कट किया था। फिर उसके लिए मैंने जो लाइनिंग लगानी है तो उसके लिए मैंने एक वाइट चादर ले ली है, और उसको भी इसी साइज का कट कर लिया है, वो भी डबल ली है मैंने, तो थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा। और चारों तरफ इसके सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें लगानी है फ्रिल, तो फ्रिल के लिए जितना भी मेरे पास फैब्रिक था ये पिंक कलर का प्लेन, तो उसकी मैंने ये जितनी भी मुझे चौड़ी रखनी है इसकी फ्रिल ये सब पट्टियाँ काट ली हैं। और सबसे पहले मैं ये जो इसका लाइनिंग है उसके साथ जॉइन कर दूँगी जो मेन फैब्रिक है।
और फिर उसके बाद जितनी भी हमारी ये फ्रिल वाली पट्टियां हैं उनको ज्वाइंट कर दूंगी सबको, और उसके बाद रफ सिलाई लगा दूंगी एक में पूरी में। तो ये हल्के हल्के खींचने के बाद धागे और ये फ्रिल बन जाती है जैसे। और जो हमने ये कवर बनाया है टेबल का उस पे चारों तरफ लगानी है। तो इसके नीचे भी जो फ्रिल है नीचे भी सिलाई लगा दी थी नीचे की साइड पूरे में, और ये पूरे में फ्रिल लगा दी है मैंने। उसके बाद टेबल पे बांधने के लिए ये मुझे बेल्ट बनानी है जिससे ये टेबल का कवर जो है वो इधर उधर नहीं जाएगा और बंधा रहेगा तो हिलेगा नहीं। तो ये जो चार पट्टियाँ मैंने बना ली हैं और चारों कोनों पे लगा दूंगी। तो ये लगा दी है मैंने बेल्ट और अब इनको बीच में से कट कर दूंगी तो ये चार कोनों पे हो जाएगी पूरी। तो ये जो है इस टाइप से कितना अच्छा लग रहा है, फ्रिल बन गई है, बेल्ट भी लग गई है बांधने के लिए। तो चलिए इसको कवर को अब टेबल पे डाल के देखते हैं। तो बिल्कुल फिट आया है, इसकी चौड़ाई लंबाई एकदम फिट आई है और ये जो बेल्ट है वो हमने बांध दी है तो ये एकदम जल्दी से नहीं हटेगा कवर। तो ये इस टाइप से बांध दी है और ये जो पैच है वो रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते, अपनी मर्जी है। अब बिना इसके भी अच्छा लगेगा ये वैसे कवर। तो लाइक कर देना अगर अच्छी लगी है तो वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ।